तो स्वागत है आप सभी का बस क्लिक के एक और नई वीडियो में। जयपुर जयपुर सीरीज़ की ये पांचवी वीडियो है और मैं ना चाहते हुए भी आज मुझे उदयपुर से बस की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ रही है। आज की अपनी जर्नी होने वाली है लेक सिटी ट्रैवल्स में। लेक सिटी ट्रैवल्स जो है उदयपुर का एक और नॉन ऑपरेटर है। इनकी जो है स्लीपर बस है ये, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या रहता है। और तो स्वागत है आप सभी का बस की एक और नई वीडियो में। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है लेक सिटी ट्रैवल्स में, जो कि है उदयपुर से जयपुर। उदयपुर से जयपुर मैंने आपको पहले ही बहुत सी जर्नी दिखाई है और आज एक और जर्नी दिखा रहा हूँ मैं। ये लगभग पांचवी वीडियो है मेरी इस रूट पे, और मैं आप सोचे कि तीसरी वीडियो क्यों बनाते हो इस रूट पे, ताकि आपको पता चले कौन सी कंपनी कैसी है और कौन सी कंपनियों को ट्रैवल करना चाहिए और क्या है। तो ऐसा है, अभी आप मैं उदयपुर से ट्राई करता बस को मतलब ब्लॉक को चालू करने का, पर दिक्कत ये रही कि उदयपुर में बहुत ज़्यादा पुलिस ने आज पता नहीं क्या कर रखा है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा गलत लगा, मतलब बस जो आई 5 मिनट की लाई, मैं इतने चढ़ा सामान वगैरह रखा, और मतलब बिल्कुल ऐसे 10-15 का टाइम है बस का निकलने का, पर 10-10 पे ही बस को निकलना पड़ा। पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करने लग गए, तो पता नहीं मेरे को पुलिस का ये तो कुछ सही नहीं लगा। और बाकी यही है, अपन लोग करते जर्नी को स्टार्ट, उनको छोड़ते हैं। मैं अभी सूरज पोल से स्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी को, ये देखिए यहाँ पे मैं सोचा उदय पोल से स्टार्ट करूँगा जर्नी को, पर नहीं हुई वो। तो करते स्टार्ट जर्नी को। अगर आप लोग इस रूट पर ट्रैवल करते हैं उदयपुर से जयपुर या जयपुर से उदयपुर, तो आपको पूरा बता दूँगा कि कैसा रहता है और क्या फेयर वगैरह रहता है और कैसी जर्नी रहती है। सो और आप जो मेरी पहले की वीडियोस है वो भी देख सकते हैं, मैं लास्ट में प्लेलिस्ट पर लिंक डाल दूंगा जितनी भी उदयपुर से जयपुर मेरी बस जो मैंने बसों का व्लॉग बनाया है। तो करते स्टार्ट जर्नी को फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर। सबसे पहले इंटीरियर देख लीजिए, रीडिंग लाइट वगैरह लगी हुई है ऊपर, और जो अपने एसी के ब्लोअर से कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो अपना बेडशीट वगैरह है, मैं फ़ोन की लाइट चालू करके वीडियोज़ बना रहा हूँ, और अपने को ब्लैंकेट वगैरह दिया हुआ है, और थोड़ा बेसिक सी इंटीरियर है मतलब, पर हाँ ठीक ठाक है, मतलब अगर आप चाहे तो ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है लेक सिटी ट्रैवल्स की बैजिंग हुई हुई है अच्छी खासी, और सीट का लिखा हुआ है कौन सीट का, पर एक सिंगल स्लीपर दिखाता हूँ आपको, देखिए सिंगल स्लीपर ऐसा रहता है, यही सब कुछ। और बस एक शू रैक की कमी है, जो शू रैक पता नहीं क्यों नहीं दिया मुझे, समझ नहीं आया। और बस अभी आपको बस आगे से भी दिखाता हूँ केबिन वगैरह बस का, बस जो है टाटा की चेस्ट पर बनी हुई है। और अभी इस बस में तो स्टाफ एक ही रहते हैं और एक कंडक्टर रहते हैं, क्योंकि छोटे रूट है तो इसलिए स्टाफ दोनों रखते हैं, सभी बसों में यही रहता है। और बस यही है, मैं आपको बस जो है अभी रेस्टो पे सही से दिखा दूँगा, क्योंकि अभी जो है सिटी में ही है हम लोग, तो इसलिए आपको सही से दिखा नहीं पाया। हाँ
हमें 500 ml पानी की बोतल मिल जाती है, तो मैंने केबिन में ही पानी की बोतल ले ली है। अभी अपना 20 मिनट का होल्ट आया है, खाना पीना करना जिसको, और ये सब बस जो है ऑन रख रखी है। और साथ में ये देख लीजिए ऋषभ ट्रेवल्स की बस है, इसका मैंने ब्लॉग बनाया था, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा इसका। और जर्नी अच्छी चल रही है, बस एक जो दिक्कत मुझे लग रही है और जो मुझे उम्मीद भी थी कि टाटा के चेस्ट से तो आवाज़ पूरे पूरे मतलब लास्ट तक, मैं लास्ट के स्लीपर में आके बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, वहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, तो उसका तो देखो क्या कर सकते। पर मेरे को पता नहीं, एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मुझे लगा था लेक्सिटी ट्रेवल्स पर और ज़्यादा अच्छी बसेस भी होंगी, अब पता नहीं या तो भाई आज क्या, या तो सामने वाली बस अच्छी होगी, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारी बसेस देखी थी इनकी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी थी, मैंने अंदर जाके भी देखी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बसेस थी इनकी पास, तो पता नहीं ऐसा क्या पता आज मेरा लक सही ना होता तो इसलिए मुझे सही बस नहीं मिली हो, क्योंकि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है गलती हो रहा है। आपको बताओ तो आपने देखो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो जो है सूरत पुल चालू करी, एक्चुअली मैं उदयपुर चालू करने वाला था, पर उदयपुर में बस जो है मतलब आई, इन्होंने बस रोकी, अब मुझे नहीं पता कि बस ऑपरेटर की गलती है या पुलिस वालों की गलती है, मुझे भागते भागते बस चढ़नी पड़ी, तो पता नहीं अब इसमें मैं मतलब किसको क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंपनी में बोलूँ पुलिस वालों को बोलूँ कि भाई देखो जो भी है मतलब, पर स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो मुझे जर्नी लगी रहता था कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। बाकी यही है, अभी खाना पीना तो मैं कुछ खास करूँगा नहीं, अगर कुछ खाता पीता हो तो बताता हूँ मैं आपको। और बाकी एक जो है कि एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैं मतलब अभी लगभग 5 जर्नी कर ली है मैंने इस रूट पे, जो कि उदयपुर से जयपुर की है, तो अभी एक वीडियो मैं लाऊँगा जो टॉप 5 वीडियो होगी, भाई जो मुझे कौन सी अच्छी लगी, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी लास्ट है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन से सही है और किसमें वो ट्रैवल करना चाहिए। मैं चार्जेस वगैरह सबको बता दूँगा, चार्जेस जो इस बस का है वो 600 rupees है, जो कि थोड़ा सा मुझे स्लाइट हाई लगता है अकॉर्डिंग टू मतलब एमिनिटीज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसे कंपेरिजन बताऊँ तो देखिए पास वाली बस जो है ये, इसका चार्जेस कुछ 500 rupees रहता है हमेशा, और
मतलब एक प्रीमियम बस है लग, ये भाई क्योंकि देखो ये भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके अच्छी अच्छी बसें, पर पता नहीं आज क्या मतलब मैं सुन भी नहीं आया क्या आज नसीब ख़राब है या आज कोई अलग ही शेड्यूल में मैं आ गया हूँ या क्या, ये मैंने आपको इसके जरिए दिखा रखी ऑलरेडी, तो पता नहीं देखते हैं भाई क्या रहता है। मैं भी थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाके फिर देखता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा कि आगे जो है साउंड वगैरह चल रहा है तो मैं कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे, इसलिए बस हो गया हमारा होल्ड कंप्लीट। होटल का मैंने आपको बताना भूल गया, होटल देखो मैं यहाँ पे तीसरी बार आ रहा हूँ तो हाँ सही है होटल, बस थोड़ा सा जो वो रेट्स वगैरह ज़्यादा देखे चोरपंती करते हैं वो तो देखो है ही, कुछ हाईवे पे मतलब ये रेस्टोरेंट करते हैं, पर ये वही बात है देखो भाई ड्राइवर्स वगैरह अपनी मर्जी से रखते तो वही करता हूँ जर्नी कंटिन्यू, और आपको कैबिनेट वगैरह दिखा दो जैसे पॉसिबल होता है। चार्जर पॉइंट बंद है क्या? अभी हो रहे हैं सुबह के 6:15 और हम लोग आ चुके हैं किशनगढ़ से आगे, और लगभग अभी 87-80 किलोमीटर बच रहा है, तो यानी कि ये मानिए हम 7 बजे तक पहुँचेंगे ऑलमोस्ट, और बाकी जर्नी वगैरह अच्छी चल रही है यहाँ, इतना मतलब एसी वगैरह तो सही है कि रात को नींद आ जाए, और ये है कि शटर वगैरह लगे हुए हैं सबसे अच्छी बात ये है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। एक्चुअली यहाँ पर्दा वगैरह होता है, पर्दे में क्या होता है ना थोड़ा सा तो मतलब ऐसे थोड़ा सही नहीं लगता, शटर के अंदर क्या होता है ना आप ऐसा पूरा पूरा अपने हिसाब से सोचते हो क्योंकि शटर को खोल नहीं सकता बाहर से इतना आसानी से, मतलब ऐसे तो खोल ही सकते हैं आराम से पर फिर भी इतनी आसानी से नहीं खोल सकता कोई शटर को, तो फिर भी हाँ सही रहता है इंस्टेड ऑफ कर्टन, कर्टन को तो आपको एक हाथ मारते ही हट जाता है, तो ये चीज़ सही रहती है। बाकी आपको रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, वैसे तो हर बार यहाँ पे आके भी बस उसकी सुबह सुबह यहाँ पे तीसरी बार आ रहा हूँ, महावीर प्योर वेज वॉशरूम वगैरह सही है, और चाय वगैरह भी सही रेट में मिलती है, कुल्हड़ वाली चाय मिलती है यहाँ पे 10 रुपये में जो कि बहुत अच्छी होती है। यही तो बस मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी बहुत केबिन डॉट दिखा दूँगा, और फिर जयपुर पहुँच को बताता हूँ आपको कैसे रही मेरी जर्नी और क्या है। बस हम लोग आ चुके थे अभी सिंधी कैंप भी है, पोलो विक्ट्री पे आए हैं, पोलो विक्ट्री यहाँ पर है, और ऑफिस कहाँ पर है समझ में नहीं आया मुझे, ऑफिस मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे होगा मुझे वो तो पता नहीं चला ऑफिस के यहाँ पे, और बाकी यही है जर्नी वगैरह ठीक ठाक है, रेटिंग्स वगैरह जो भी है मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, और अभी मैं पार्किंग में जाऊँगा पर मैं जर्नी को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मतलब क्या ही अब दिखा सकते हैं, पार्किंग में जाके इंटीरियर वगैरह आपको दिखाई रखा है ऑलरेडी और एक्सटीरियर भी दिखा रखा है, और कैसे लगे आपको वीडियो मुझे बताइए कमेंट्स में, और अगर आपको कोई कमी लग रही है या मतलब कुछ भी ऐसा लगता है वीडियो में तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें ताकि मैं और उसको बेटर कर सकूं, और यही बस आप लोग ने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिए कैसे लगी आपको वीडियो और क्या बेटर हो सकता है, और शेयर कीजिएगा ताकि मैं और लोगों तक पहुँच सकूँ।
सो बस यही है, आप थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।